तो भाई साहब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक गेमिंग हैंड्स फ्री, या इसे आप गेमिंग ईयरफोन्स भी कह सकते हैं। भाई जो लोग सोच रहे हैं कि आज भी बजट में बात होगी, तो आज बजट में बात नहीं होगी भाई। ये गेमिंग हैंड्स फ्री आपको मिल जाती है फ़िलहाल इस वक्त 6500 रुपीज़ में सेटलाइफ कलेक्शन से। प्लेक्सटोन G30 इसका मॉडल है। आज की वीडियो में जो है वो इसे अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ कुछ एक्सेसरी आती है जो कि ऑब्वियसली इसकी प्राइस बढ़ाती है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और साथ ही साथ क्विक रिव्यू आज की जो है वो वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको ये हैंड्स फ्री लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप प्रो गेमर है और मोबाइल वगैरह में गेमिंग करते हैं, 3.5 mm जैक सपोर्टेड ये हैंड्स फ्री है, तो ये वीडियो देखते रहे। अगर आप ज़्यादा खर्च सकते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। बाकी अगर आप बजट सेगमेंट में ही हैंड्स फ्री वगैरह लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह थोड़े जो है वो समय में ही मैं जो है वो इसके हाफ प्राइस की भी एक हैंड्स फ्री ही लेके आने वाला हूँ, जो कि प्लेक्सटोन की तरफ से ही होगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आगे चल के जो है लास्ट में हम इसके माइक का भी जो है वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको जज बनाएंगे, तो आप जो है वो इसके माइक्रोफोन को की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे जज कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो मेन हाईलाइट है वो यही है, डबल माइक विथ HD वॉइस, ठीक है। और दूसरी हाईलाइटेड जो है वो पॉइंट है 14 ग्राम्स का इसका सिर्फ वेट है, डिटैचेबल माइक्रोफोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक इनलाइन माइक भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। G30 डुअल माइक्रोफोन गेमिंग हेडसेट, नॉइस कैंसलिंग मेमोरी फोम, ठीक है। कंपैटिबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch वगैरह में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही ब्रांडिंग वगैरह की गई है। वारंटी भी इसकी है, पाकिस्तान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी मिलती है 6 months की। वैसे प्लेक्सटोन 1 year की देता है, लेकिन वायर्ड अगर डैमेज हो गया तो कोई वारंटी नहीं है, और वायर्ड हैंड्स फ्री में ज़्यादातर कंप्लेन ही वायर डैमेज होने की आती है। ये पूरा ओवरव्यू है, जो कि हम आगे चल के और व्यू लेंगे ही, जाहिर सी बात है, हैंड्स फ्री का क्विक रिव्यू में। तो आप इसे जो है वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी ये अलग अलग जो है वो लैंग्वेज में इसके सेम स्पेक्स लिखे हुए हैं, ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो कुछ ब्रांड के ट्रेडमार्क और बाकी सारी डिटेल्स मेंशन की गई है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 10 mm का इसमें स्पीकर ड्राइवर यूनिट है, फ्रीक्वेंसी इंपेडेंस सेंसिटिविटी कनेक्टर जो है वो 3.5 mm प्लग है, 4 pole, और केबल लेंथ जो है वो 120 cm है। बाकी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, माइक्रोफोन और इनलाइन माइक्रोफोन की भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ओवरव्यू हो गया, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ डब्बा खोलते ही जो है थोड़ा सा फील तो आता है भाई कि यहाँ पे एक प्रीमियम चीज़ आपने जो है वो अनबॉक्स की है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है वो एक प्लास्टिक शीट लगी हुई है, वो हटा देते हैं। और सबसे पहले आपको मैं इसकी जो मेन हाईलाइट प्रोडक्ट है भाई, हैंड्स फ्री, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका क्विक जो है वो ओवरव्यू, मतलब इसका क्लोज लुक वगैरह सब जो है वो डिटेल्स हम अभी थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे, तो फिलहाल इसे साइड पर रखते हैं। और जिसकी वजह से भाई प्राइसेस जो है वो बढ़ाई है कंपनी ने, वो देख लेते हैं भाई। साथ ही आपको कैरिंग पाउच भी मिल जाता है, जिससे आप जो है वो कैरी अराउंड कर सकते हैं इस हैंड फ्री को। इसे खोलते हैं तो भाई यहाँ पे पेपर वर्क मिल जाता है, और एक थोड़ा छोटा सा जो है वो एक रैप में चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। यहाँ पे वाउचर वारंटी कार्ड और यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी दी गई है, ठीक है। 6 months की वारंटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी सेटलाइफ कलेक्शन से आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो है वो एयर हुक जो है वो इसका वो भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। बाकी एयर टिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बाकी केबल क्लिप भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं सारी चीज़ें निकाल के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल क्लिप भी अवेलेबल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और यहाँ पे एयर हुक भी अच्छी ग्रिप के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इसमें, जो बिल्ट इन, अगर आपको समझ नहीं आते तो आप चेंज कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे जो है वो साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है। और हम दूसरी जो यहाँ पे शॉपर में चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। दो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कन्वर्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ये फीमेल 3.5 mm टू पिन कन्वर्टर है, ठीक है, जो कि आपको PC में कनेक्ट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। 900 mm जो है वो केबल कन्वर्टर भी
कहते हैं इसे फॉर पीसी सपोर्ट। और यहाँ पे जो है आपको ऑक्स फीमेल टू ऑक्स मेल भी कन्वर्टर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये किसके लिए है, बेसिकली लेंथ इंक्रीज करने के लिए है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो सारी चीज़ें हमने चेकआउट कर ली है, तो अब जो है वो यहाँ पे साइड पे करते हैं चीज़ें और मेन हैंड्स फ्री पे आ जाते हैं। भाई लोग यार, एक हैंड्स फ्री या एयरफोन्स में मैं क्या ही जो है वो क्विक रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँ। शायद आप इसके माइक टेस्ट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, इसका क्लोज लुक ले लेते हैं, फिर इसके माइक टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट इंडिकेटर है इसके एयर हुक पे, जो कि आपको बेटर एयर फिट प्रोवाइड करने के लिए लगाए गए हैं। और सच पूछो तो कमाल की ग्रिप आ ही जाती है, ठीक है, कानों में अपने। और ये मेमोरी फोम जो है वो यहाँ पे आपको एयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन में भी काम आते हैं ये। यहाँ पे प्लेक्सटोन की जो है वो ब्रांडिंग की गई है और काफ़ी ज़्यादा एक गेमिंग सा लुक दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इतनी आसानी से जो है यहाँ पे ख़राब नहीं होती। 3.5 mm केबल है, जो कि एल शेप में मिलती है आपको, जो और इसे ख़राब होने से बचाती है। यहाँ पे एक कोटिंग है एक्स्ट्रा, ठीक है, टू सिक्योर द केबल। ठीक है, अब इनलाइन कंट्रोल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे स्लाइडर है वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, और यहाँ पे एक बटन है जिससे आप माइक बंद कर सकते हैं। ठीक है, गेमिंग के दौरान आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी सामने वाले को ना जाए, तो आप जो है म्यूट कर दे, दोनों माइक्रोफोन म्यूट हो जाएंगे। बाकी कॉलिंग्स के दौरान भी जो है वो आप माइक म्यूट कर सकते हैं चाहे तो, इनलाइन जो है वो माइक, अगर आपके पास ये डिटैचेबल माइक्रोफोन नहीं है किसी भी वक्त, तो ये इनलाइन तो माइक है ही इसमें भाई, तो वो काम करेगा। और पीछे जो है वो एक बटन दिया हुआ है, जो कि आंसर और रिजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है कॉल्स वगैरह को, और बाकी यहाँ पे प्ले पॉज के लिए भी यूज़ होता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको माइक ये लगा के चेक करवा देता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे जो है वो लगेगा, ठीक है, डिटैचेबल माइक। अगर राइट साइड पे भी मैंने देखा है कुछ हैंड्स फ्री में राइट साइड पे भी दिया हुआ होता है। माइक्रोफोन की भी जो है वो डिज़ाइन एक गेमिंग माइक्रोफोन जैसी है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, मैं इसको जो है वो मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करूँगा और इस कन्वर्टर के साथ पीसी में कनेक्ट करके भी आपको जो है वो इसके माइक का टेस्ट दूंगा। तो शायद आप एक्साइटेड होंगे इसके माइक प्रोफोन का टेस्ट देखने के लिए, क्योंकि वही एक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है। तो भाई लोग, अभी आप ये जो आवाज़ सुन रहे हो रिकॉर्ड की जा रही है ये प्लेक्सटोन के ही G30 डुअल माइक्रोफोन से, और आप देख सकते हैं 120 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, जो कि इनफ है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप दूर रख के अपना मोबाइल फ़ोन या टैबलेट वगैरह जो है यहाँ पे कोई मूवी वगैरह देखते हैं, तो आपको एक यहाँ पे फीमेल ऑक्स टू मेल ऑक्स या 3.5 mm जो है वो केबल देखने के लिए मिल जाती है, कन्वर्टर टू इंक्रीज़ द लेंथ। तो अभी मैं जो है वो अब आपको बताता हूँ कि कितनी ये इंक्रीज़ कर देता है लेंथ, ये माइक का जो है इस पर शिफ्ट हो जाएगी वॉइस जो है। तो अब जो है वो मैं यहाँ पे इसको, ये है कि ये अगर नायलॉन ब्रेडेड जो है वो हैंड फ्री दे देते तो टेंगल नहीं होती वो, खैर, लेकिन नायलॉन ब्रेडेड हैंड फ्री मैंने काफ़ी ज़्यादा कम देखी है। खैर, यहाँ आप देख सकते हैं यार, इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है भाई, और मैं आराम से बैठ के जो है वो यहाँ पे अब मैं वापस जो है वो दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ और अब आप फिर से जो आवाज़ सुन रहे हो वो रिकॉर्ड की गई है वही प्लेक्सटोन के G30 जो है वो डुअल माइक्रोफोन हैंड फ्री से, और बीच में जो है वो ये हमने कन्वर्टर भी लगाया है, जो कि बेसिकली सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए बॉक्स में मिलता है, और शायद रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी क्वालिटी में कोई भी जो है वो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। माइक की क्वालिटी भी मेरे ख्याल से वही ऑलमोस्ट रिजल्ट दे रही है, और साथ ही साथ साउंड क्वालिटी भी मैंने चेक आउट की है इस कन्वर्टर के साथ, तो आपको साउंड क्वालिटी भी ठीक ही मिलती है। माइक को करीब ला के भी मैं जो है बोलता हूँ, शायद आपको जो है वो आवाज़ में थोड़ी सी लाउडनेस फील हो, पता नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ ही जो है वो ये माइक टेस्ट देखूंगा और ये ऑडियो जो है वो बिल्कुल अनएडिटेड होगी, ठीक है। तो फिर जो है वो फीमेल ऑक्स टू टू पिन कन्वर्टर, जिसे 900 mm केबल भी बोलते हैं, उसे यूज़ करके भी जो है वो पीसी में लगा के भी मैं आपको वॉइस जो है वो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास जो लैपटॉप अवेलेबल है उसमें कॉम्बो पोर्ट ही है, तो मैं जो है वो किसी और पीसी में रिकॉर्ड करके आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ, ठीक है, और फिर चलते हैं वो वाले माइक टेस्ट पे। तो भाई लोग, अभी भी जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की जा रही है पीसी में, ठीक है, ये 900 mm की केबल लगा के, और फीमेल ऑक्स टू टू पिन
कन्वर्टर, ये प्लेक्सटोन G30 डुअल माइक्रोफोन हैंड्स फ्री है, ठीक है। और मैं भाई ऑफिस में बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यार यू नो ऑफिस में ही जो है वो पीसी में रिकॉर्ड कर ले। अभी तक आपने जितनी आवाज़ सुनी है ये ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है पीसी में प्लेक्सटोन G30 डुअल माइक्रोफोन गेमिंग हेडसेट से, ठीक है, हैंड्स फ्री है बल्कि। तो बस आपने जज तो कर ही लिया होगा कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत की है मैंने इसके माइक को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी मेन हाईलाइट ही वही थी कि डुअल माइक्रोफोन है तो आपको माइक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो उस बात पे ही यार लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, बाय करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सेट लाइफ कलेक्शन का लिंक है, बाय कर सकते हैं। फिट देख सकते हैं आप, एयर हुक की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो फिट में भी कोई मसला नहीं आएगा। साउंड क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, माइक क्वालिटी भी आपने देख ली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।